हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास टेंथ के इंग्लिश रीडर के फर्स्ट लेसन द एंचेंटेड पूल के एक इम्पॉर्टेंट पैसेज और उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर को स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है फर्स्ट लेसन है द एंचेंटेड पूल, जो लिखा है 22 राजगोपाल चाय द्वारा। परीक्षा में आपको इस तरह एक पैसेज दे देगा, जिसे दिया हुआ है, दे देगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, करें कि निम्न पैसेज को पढ़िए, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड आंसर द क्वेश्चन और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस पैसेज को देखते हैं, इसके अर्थ को भी देखते हैं, चूँकि इस लेसन का हिंदी अर्थ तो मैंने बहुत ऑलरेडी अच्छे से अपलोड कर दिया है, आप उनको देख सकते हैं। इस वाले में भी मैं जो है आपको थोड़ा तेज़ी से इसके अर्थ को बता करके तभी क्वेश्चन और उसके आंसर को बताऊँगा। देखिए द यक्ष द्वारा जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा जाता है, द वॉयस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अंदर, कह रहा है कि आवाज़ मतलब यक्ष की आवाज़ ने पुट क्वेश्चंस प्रश्न किया रैपिडली तेजी से वन आफ्टर अंदर, एक के बाद दूसरा, मतलब यक्ष आवाज़ ने जो है एक के बाद दूसरा तेज से प्रश्न किया। पहला प्रश्न कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, कौन सी चीज़ व्यक्ति को खतरे में बचाती है, कौन सी चीज़ व्यक्ति को खतरे में बचाती है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया करे साहस, मतलब साहस व्यक्ति को खतरे में बचाता है। उसका कहने का मतलब है कि व्यक्ति को खतरे में धैर्य धारण करना चाहिए। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, कह रहा है कि किस साइंस के अध्ययन द्वारा, साइंस मतलब ग्रंथ, यहाँ साइंस मतलब ग्रंथ, किस ग्रंथ के अध्ययन द्वारा डस बिकम वाइस, चूंकि यहाँ लिखा नहीं है मैन होना चाहिए, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डस वन बिकम्स वाइज, करे किस ग्रंथ के अध्ययन द्वारा कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर मिस छूट गया है, मैन होना चाहिए, ठीक है, डज मैन बिकम वाइज, किस ग्रंथ के अध्ययन द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला है नॉट बाई, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा डस मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, इट इज़ द बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट, कराए कि इन विजडम, कराए कि यह जो है महान बुद्धिमत्ता वाले लोगों के साथ उसके एसोसिएशन रखने से, मतलब संबंध रखने से, उसके महान मस्तिष्क वाले लोगों के साथ रहने से, दैट ही गेट्स विजडम, उसे बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। द यक्ष आस्केट, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, मतलब मन हवा से तेज है। फिर पूछा कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाई हुई कौन सी चीज़ है, तो उसने उत्तर दिया सारो स्टिकन हर्ट, मतलब दुख से पीड़ित हृदय, एक मुरझाई हुई तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया व्यक्ति कौन है, एक दुख से पीड़ित हृदय। फिर पूछा उन्होंने कि व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि लर्निंग, विद्वता एक यात्री का मित्र होती है। फिर पूछा कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, किसी व्यक्ति का मित्र कौन होता है, हु स्टेज एट होम, जो घर पे रुकता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वाइफ, मतलब पत्नी, व्यक्ति का मित्र पत्नी होती है जो घर पे रुकती है। फिर उन्होंने पूछा कि हु अकंपनीज अ मैन इन डेथ, कह रहा है कि मृत्यु होने पर कौन व्यक्ति के साथ जाता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म मतलब धर्म व्यक्ति के साथ जाता है, दैट एलॉन, कह रहा है जो अकेले अकंपनीज द सोल, आत्मा के साथ जाता है इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी एकाकी यात्रा में आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु के बाद ही धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जो है जाता है। फिर आगे है विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा वेसल क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है, तो इसने उत्तर दिया कि द अर्थ, मतलब पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है, विच जो कंटेंस ऑल, जो सारी चीज़ों को रखती है विद इन इट्स स्वयं के अंदर, करें कि द अर्थ पृथ्वी विच कॉन्टेंस ऑल, जो सभी चीज़ों को रखती है विद इन इट्स अपने अंदर, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा बर्तन है, मतलब पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो सारी चीज़ों को अपने अंदर, नदी पहाड़ पर्वत सभी चीज़ों को रखती है। उसके बाद व्हाट इज हैप्पीनेस, फिर उन्होंने पूछा हैप्पीनेस क्या है, प्रसन्नता क्या है, तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस क्या है, गुड कंडक्ट मतलब एक अच्छे व्यवहार का परिणाम होती है, मतलब जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमको खुशी मिलती है, वही हैप्पीनेस है। देखिए अब इस तरह पैसे दे देगा आपको, पैसे उसको समझकर जो है उसके क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, इस लेसन का टाइटल लिखना है, फ्रॉम विच, जिससे द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे ऊपर वाली पैसेज ली गई है, और हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का राइटर कौन है, तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए इसका उत्तर है
the title of the lesson, The Enchanted Pool. लिखेंगे the title of the lesson, The Enchanted Pool. ये कॉमा के अंदर रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के. फिर है द राइटर ऑफ द लेसन. लेसन का राइटर कौन है? सी राजगोपालचारी. या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द एंचेंटेड पूल रिटन बाय सी राजगोपालचारी. उस तरह लिख दीजिए. नहीं तो अगर नहीं याद होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. दूसरा है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना और डेंजर मीन्स खतरा. कह रहा है कि खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है. पूछ रहा है खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है. तो आपको पैसेज के अनुसार आंसर देना है. देखिए इसका उत्तर है करेज, साहस. रेस्क्यूज मैन, मनुष्य को बचाता है डेंजर खतरे में. मतलब साहस व्यक्ति को खतरे से बचाता है या खतरे में बचाता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. पूछे व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड. स्विफ्ट मीन्स तेज होता है, कंपेरेटिव डिग्री है ना. कह रहे व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड. हवा से भी तेज क्या है, हवा से भी तेज क्या है. देखिए इसका उत्तर है माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड. कह रहा है कि मस्तिष्क हवा से तेज है, मन हवा से तेज है या मस्तिष्क हवा से तेज है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा. एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया क्या होता है. सूखी घास से या सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया क्या होता है. ड्राइड स्ट्रा मीन्स सूखा हुआ तिनका या सूखी हुई घास. सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया क्या होता है. देखिए क्वेश्चन इसका आंसर 4th है अ सार्वस्टिकन हर्ट. दुख से पीड़ित हृदय इज मोर फेडेड, कहीं अधिक मुरझाया होता है देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से, सूखे तिनके की अपेक्षा. मतलब एक दुख से पीड़ित हृदय जो है सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया रहता है. क्वेश्चन 5 है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन. किसी व्यक्ति का वह कौन मित्र होता है हु स्टेज एट होम, जो घर पर रुकता है. स्टे मीन्स रुकना होता है, रुकना या रहना. किसी व्यक्ति का वह कौन मित्र होता है जो घर पर रहता है. देखिए इसका आंसर है 5 वाइफ इज द फ्रेंड ऑफ वन. करें पत्नी किसी व्यक्ति का मित्र होती है हु स्टेज एट होम, जो घर पर रुकती है. अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है. लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है. खुशी क्या होती है, अच्छे व्यवहार का परिणाम होती है. तो क्या पर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट. खुशी अच्छे व्यवहार का परिणाम होती है. गुड कंडक्ट मतलब अच्छा व्यवहार. खुशी अच्छे व्यवहार का परिणाम होती है. तो फ्रेंड्स ये जो है एक पैसेज, उसके क्वेश्चन आंसर को मैंने एक्सप्लेन किया है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा. और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स. इसी तरह आप लोगों के वीडियोज़ जो है परीक्षा से संबंधित और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको भी मैं क्रमशः अपलोड करता रहूँगा. आप परीक्षा होने तक मेरे वीडियो को देखते रहिए. मेरा वादा है कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स. तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.